ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि लड़कियां हंसमय तो नहीं करती, जबकि लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन गलतियां क्या होती हैं कि वो कुछ प्रिकॉशंस को, कुछ चीज़ों को, सावधानियों को नहीं बरतती, जिससे उनको नुकसान ज़्यादा होते हैं। चाहे वो उनकी वर्जिनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो अगर आप भी मास्टरबेशन करते हैं या आपकी गर्लफ्रेंड भी मास्टरबेशन करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, मुझे पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइक करें जरूर वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे मास्टरबेशन इन फीमेल्स। जैसे कि लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है या तो उल्टा लेट के मास्टरबेशन करना या हाथ से करना, ऐसी फीमेल्स बहुत अलग अलग तरीके से मास्टरबेशन करती हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि पिल्लो को बीच में रखकर हो सकता है, बेडशीट को बीच में रखकर हो सकता है। कई फीमेल्स अपनी आपस में टांगे रगड़कर मास्टरबेशन करती हैं और कई फीमेल्स अपने क्लिटोरस, मतलब अपने जो वजाइना होल के ऊपर वाला अंग है, उसको बार बार मसल हैं या रब करती हैं ताकि उन्हें ऑर्गेज्म तक पहुंच जाएं। कई फीमेल्स ऐसी हैं जो मास्टरबेशन करने के लिए या प्लेजर को अचीव करने के लिए फिंगर्स तक को इंसर्ट करती हैं, कई एक फिंगर, कई दो फिंगर्स इंसर्ट करती हैं। कई फीमेल्स टॉयस का भी प्रयोग करती हैं, कुछ फीमेल्स वेजिटेबल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे जिसका फैंटसाइजिंग लेवल है, हर फीमेल कभी ना कभी लाइफ में मास्टरबेशन ज़रूर करती है। और मेरे हिसाब से ना ये गलत है और ना ही ये सही है, हर किसी के अपने स्टैंडर्ड ऑफ चॉइस हो सकती है। लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने वाली हूं वो है सावधानियां। अगर मैं मेल्स को सावधानियों की बात करती हूं तो फीमेल्स को भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण हो सकती है वो है लैक ऑफ ऑर्गेज्म। आपको चरम सुख तक आएगा ही नहीं। कई फीमेल्स अपने क्लिटोरिस या वजाइना को बहुत ज्यादा जोर से रब करती हैं या उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑर्गेज्म आना, जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करेंगी तो उनको फीलिंग ही नहीं आती है। तो अगर आप भी मास्टरबेट करने के लिए बहुत देर तक रगड़ती रहती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिंगर्स का प्रयोग किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो। कुछ समय के लिए आप मास्टरबेशन रोक भी सकते हैं और उसके बाद नए सिरे से थोड़ा सा लेस फ्रीक्वेंसी के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से वही प्लेजर, ताकि आगे आपको शादी के बाद नुकसान ना हो। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है साफ़ सफाई, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती आई हूँ, दैट योर नेल्स, जो आप नेल्स हैं वो बिल्कुल चॉप्ड होने चाहिए। अगर आपको पता है मैं इस फिंगर या इस फिंगर का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके नेल्स बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। आपका जो अंडरवेयर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, या फिर जब आपने मास्टरबेट कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके उसको साफ़ पानी से ज़रूर धोएं। वजाइनल वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पीरियड्स के दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में मास्टरबेशन करना फीमेल्स को बहुत रिलैक्सेशन देता है, दर्द भी कम होता है। तो अगर आप उस समय यूज़ कर रहे हैं तो आपकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई फीमेल्स में मेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, और यूटीआई इसलिए क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा, मतलब जो यूरिन को आने वाला पाइप है जहाँ से यूरिन निकलता है, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से अगर आपने वजाइनली आपने क्लिटोरिस को बहुत ज़्यादा रब किया है या गंदे हाथों का प्रयोग किया है या फिर ज़ोर से किया है या फिर मे बी वजाइना में फिंगर्स ठीक नहीं है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। और बैक्टीरिया की वजह से वो क्या होगा कि आपको यूरिन करने में दिक्कत होगी, आपको लेफ़्ट या राइट साइड में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, या फिर आप जब आप यूरिन करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ड्रिप ड्रिप करके यूरिन आ सकता है। और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपके वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए हैं। सेक्स के दौरान भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ, यूजली फीमेल को हनीमून टाइम पे हो जाता है यूटीआई, क्योंकि आप रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, घूम भी रहे हो, तो अगर आप एग्जैक्टली सेक्स के कारण भी आपको लग रहा है कि मेरे को बार बार यूरिन में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो यूटीआई के साइंस हैं। तीसरा जो बहुत ही
बेकार साइड इफेक्ट होता है वो है आपकी शैफिंग, मतलब वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, आपको बॉयबल ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर आपके नेल्स कट नहीं हैं तो वहाँ पे आपको जलन लगने लगेगी, कई तरह के दाने हो जाएंगे, मे बी आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो हेयर्स कॉइलिंग हो जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं और मास्टरबेट करती हैं तो आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन आपकी किडनीज़, आपके यूरिन ट्रैक तक पहुँच सकता है और आगे मे बी आपको सेक्स एंजॉय करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मास्टरबेशन करने से आपकी वर्जिनिटी पे कोई प्रॉब्लम आती है, नॉट एट ऑल। मास्टरबेशन का आपकी वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट लेना देना है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक और उनसे जुड़े हुए इन्फेक्शन से। इसलिए अपना हाइजीन अपने हाथ में है, जब आपका प्लेजर आप खुद अपने हाथों से ले रही हैं तो कोशिश करें कि प्लीज़ हाइजीन का भी ध्यान रखें। ये वीडियोज़ उन फीमेल्स के लिए भी हैं जो फीमेल्स के साथ सेक्स इन्जॉय करती हैं, ताकि वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रख सकें, क्योंकि उनमें ओरल सेक्स ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बहुत सारी वीडियोस आएंगे। और अगर आप इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करें डॉक्टर नेहा मेहता इंग्लिश, ताकि आपको यही सारी वीडियोज इंग्लिश में मिल पाए। बने रहें, जुड़े रहें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।